तो और भाइयों, क्या हाल चाल है? आज हम खेल रहे हैं चेन्नई वर्सेस कराची। ये लोकल वाली कराची है यार, इसके लिए माफ़ कर देना। बाकी ये दोनों टीम की लाइनअप है। और भाई, जो जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगले मैच हमारे ओरिजिनल PSL टीम के साथ आएंगे। कराची ने टॉस किया है भाई, टेल्स चूज़ किया है, और भाई कराची जीत चुकी है। ग्रासी पिचा मेरे ख्याल से बॉलिंग ही लेंगे कराची वाले। बाकी देखते हैं, आप लोग इन्जॉय करें इस वीडियो को, और भाई एंड तक मैच देखना। एंड में सच में बहुत तगड़ा सस्पेंस है मैच में। तो भाई, होप करता हूँ तुम लोग इन्जॉय करोगे वीडियो को, तो देखो। क्योंकि यार PSL पहले कभी देखा नहीं, तो टीम के बारे में पता नहीं था इतना। पहला ओवर डालना आया वसीम, पहली बॉल पे कुछ भी रन नहीं थे, सेकंड बॉल पे चौका गया। और भाई बैटिंग कर रहे हैं ऋतुराज और कौनवे, जो करते हैं ऑब्वियसली। तीन बॉल में चार रन है चेन्नई के, चौथी बॉल पे इस पर भी शायद चौका आ जाएगा। पीछे कोई फील्डर है नहीं, मेरे ख्याल से तीन ही रन आ पाएंगे। दो तो हमने भाग लिया, तीसरा भी भाग ही लेंगे हम। रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा आराम से खेलेंगे गेम, देखते हैं। क्योंकि रियलिस्टिक डिफ़िकल्टी, और भाई पूरी वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में जो सस्पेंस है मैच का, वो तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे इतना तगड़ा। और लो भाई, लास्ट बॉल पे आउट ही हो गया। मैं रिकॉर्डिंग बाद में करता हूँ वैसे, मतलब फेस कैम बाद में करता हूँ, तो मेरे को पता है। लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा मैच में। भाई वन डाउन आया अम्बटी रायडू, दूसरा ओवर डालना है भाई मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने भाई चौथी बॉल पर विकेट ले लिया, और आप लोग को तो पता ही होगा मोहम्मद आमिर अब बाहर की वो ले लिया इन्होंने सिटीजनशिप, तो शायद अगले साल ये IPL भी खेले RCB से, शायद, कंफर्म नहीं है। मोइन अली आया भाई सेकंड डाउन, 10 रन पे 2 विकेट है चेन्नई के, दूसरे ओवर की लास्ट बॉल। और भाई ये बॉलिंग बहुत बढ़िया भाई मोहम्मद आमिर की तरफ से। वसीम आया भाई थर्ड ओवर डालने दोबारा, 5 का रन रेट चल रहा हमारा भाई। पहली बॉल पर सिंगल मिलेगा हमको, 180 तक कोशिश करेंगे कि बन जाए रन। सेकेंड बॉल भाई मोइन अली, 2 बॉल पे 0 रन है। अम्बटी रायदू बैटिंग पे है, और भाई ये बहुत तगड़ा बीट किया बॉलर ने बैट्समैन को। रायडू इस साल IPL में अच्छा चला था, वैसे संन्यास ले लिया, मगर कोई नहीं, खिलाएंगे अभी तो। और भाई चौथी बॉल पे चौका आ गया है चेन्नई 17 पे 2 विकेट। लास्ट बॉल भाई वसीम के ओवर की, शॉर्ट पिच डाली है बंदे ने, और भाई ये भी बीट कर दिया इन्होंने। फोर्थ ओवर अगेन मोहम्मद आमिर डालेंगे हमारा शॉर्ट पिच बॉल, और इस बॉल पर शायद चौका आ जाएगा। हाँ भाई, 4 रन पहली बॉल, तीसरी बॉल पे 5 रन आ चुके हैं 2 बॉलों में। इस पे सिंगल आएगा हमें, 22 पे 2 विकेट है चेन्नई। बाकी मैं ओरिजिनल जो टीम है PSL की, वो कर लूँगा इस मैच के बाद में डाउनलोड। और आप लोग बता देना आप लोग को कैसे कैसे मैचेस चाहिए, क्योंकि यार अभी नई नई वीडियो बनाना शुरू किया है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना और बताना कि कौन कौन सी टीम के और कैसे कैसे मैचेस चाहिए तुम लोगों को। चौथा ओवर डालना है भाई इस्सा, 5वां ओवर, 4 ओवर हो चुके हैं कम्प्लीट, और पहली बॉल पे सिंगल ही मिलेगा। फोर्थ ओवर की तीसरी बॉल, 31 पे 2 विकेट है अभी, और ये शायद कैच आउट हो जाएंगे भाई। ये कैच बहुत ग्राउंडेड था, पता ही नहीं कैसे पकड़ लिया इसने। चौथी बॉल भाई, चौथी बॉल पे चौका आ जाएगा, 5वें ओवर की चौथी बॉल। इंडिया 35 चेन्नई 35 पे 3 विकेट्स भाई। 5वीं बॉल पे भी शायद चौका आ जाएगा मेरे ख्याल से, या 3 रन तो आ ही जाएंगे, 3 रन ले लेते हैं। बताओ, वो विकेट कीपर वाला बैट्समैन अभी तक भागा नहीं है उस साइड, मगर कोई नहीं, 3 रन ले लिया हमने। और भाई 5 ओवर के बाद CSK 38 पे 3 विकेट है। अम्बटी रायडू और बैन स्टॉक्स आया, विराट कोहली का फेवरेट प्लेयर बैन स्टॉक्स, इफ़ यू नो क्या कहना चाहता हूँ मैं। 5वें ओवर की 5वीं बॉल, और भाई ये भी अच्छा बीट किया बैट्समैन को मोहम्मद आमिर भाई, सच में पाकिस्तान का सच में बहुत अच्छा बॉलर है। बस थोड़ा कंट्रोवर्सी रही थी, बट कोई नहीं, अब IPL तो खेल ही सकता है बंदा भाई। 7 ओवर के बाद इंडिया 48 चेन्नई, यार बार बार इंडिया निकल रहा है मुझसे, चेन्नई 48 पे 3 विकेट। क्योंकि अभी पिछला तुम लोगों ने देखा ही होगा, मैं स्ट्रीम करके आया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तो बार बार मुँह पे इंडिया इंडिया ध्यान आ रहा है। 7वें ओवर की लास्ट बॉल, इस ओवर में अभी तक हर बॉल पे 2-2-2, फिर एक सिंगल आया, और लास्ट बॉल पे भी डबल आ जाएगा। 11 रन आए इस ओवर से हमको, बढ़िया बैटिंग चल रही है अभी तक, रन रेट सही है, मगर विकेट गिर चुका है हमारा। इनग्राम आया भाई बॉलिंग डालने, वही ये तो शायद 6 है, पहला 6 गेम का चेन्नई की इनिंग में, पहला 6 बैन स्टोक के द्वारा। बैन स्टोक 12 बॉलों में 17, और अम्बटी रायडू 14 बॉलों में 24 रन बनाया। एक और शॉर्ट पिच बॉल, और इस पर चौका नहीं आया, सिंगल ही आएगा। कोई नहीं,
180 तक तो कोशिश करेंगे कि 180 तक जाएं। भाई लास्ट बॉल एर्थ ओवर की और यहाँ पे चौका मिल जाएगा हमें। नहीं मिला भाई, यहाँ पे भी दो ही रन मिलेंगे, तीन भी नहीं भाग पाए, दो ही मिल पाए, बट कोई नहीं, बढ़िया चल रहा है अभी तक जो भी है। नूर अहमद आया भाई अगला बॉलर, और भाई 9th ओवर डालना है हमारा नूर अहमद अफगानिस्तान से, आप लोग जानते ही होंगे। और भाई 9th ओवर की तीसरी बॉल पे चौका नहीं यार, डबल मिला है। पावर प्ले मारे, बहुत कम रन आए थे, 48 रन आए थे मगर 3 विकेट गिर गए थे पावर प्ले में। शॉर्ट पिच बॉल डाली भाई और एक बैक फुट पे आके बेहतरीन शॉट, और 4 रन मिल चुके हैं बेन स्टॉक्स को। रायडू भाई 19 बॉलों में 28 है और बेन स्टॉक्स 17 बॉलों में कितने हैं, 26। इनग्राम आया भाई सेकंड ओवर डालने अपना, और भाई ये शॉट बढ़िया था, बैक फुट पे आके फ्रंट में मारा है 6 रन के लिए। लास्ट बॉल भाई इनग्राम के ओवर की, बेन स्टॉक्स स्ट्राइक पे था, सिंगल आएगा नहीं, हाँ डबल आ गया, और अगले ओवर की स्ट्राइक पे आएंगे हमारे अंबटी रायडू। नूर अहमद का दूसरा ओवर, तीसरी बॉल दूसरे ओवर की, और इस पर भी चौका मिल जाएगा हमको क्योंकि पीछे कोई फील्डर है नहीं, तो जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ पर तो ऑफकोर्स मारना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में तो रन मिले नहीं थे हमें। 11th ओवर की चौथी बॉल और एक और शॉट भाई पीछे वहीं पर, ये 6 है शायद, बढ़िया ये शॉट बढ़िया था। इसके साथ 100 पूरे हो चुके हैं, नहीं हुए 97 पे 3 विकेट, और बेन स्टॉक का एक और शॉट, इस पर शायद 2 रन मिल जाएंगे। किशान परेरा आया भाई ओवर डालने, 12th ओवर डालने, 12th ओवर की तीसरी बॉल, अभी तक 3 रन आए हैं इस ओवर में, और चेन्नई के 100 पे 3 विकेट, बाकी अभी तक सही चल रहा है। 180-170 तो बनी जाने चाहिए हमारे, और भाई अंबटी रायडू की 50 पूरी हो चुकी है मात्र 30 बॉलों में। बेन स्टॉक 23 पे 35 रन्स, भाई बेन स्टॉक की तरफ से ये कैच नहीं होगा, बच गया भाई, मेरे को लगा कैच हो जाएगा बट बच गया। 13th ओवर डालने दोबारा, इससे आए हैं भाई, तीसरा ओवर है इनका, एक ओवर हो रहा है इनके स्पेल में, और ये भाई बैक फुट पे आके एक और शॉट पीछे पुल मारा है और 6 रन, 121 पे 3 विकेट चेन्नई 13th ओवर के बाद। और भाई आप लोग बताना PSL देखने में ज़्यादा मज़ा आता है या IPL, PSL में भी अच्छे प्लेयर है मगर इतना फेमस नहीं है जितना IPL, IPL तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड है। बाकी लास्ट तक देखना मैच, बहुत अच्छा मैच हुआ था भाई ये वाला। और भाई आउट यहाँ पे, बेन स्टॉक्स आउट, 49 पे आउट हुए शायद ये, यार ये शॉट रुक के खेल लेता। शिवम दुबे आया भाई नेक्स्ट, आते ही विकेट ले लिया रैशवर्थ ने 14th ओवर में, चेन्नई 122 पे 4 विकेट, और सिंगल मिल गया था अगली बॉल पे, और भाई लास्ट बॉल थी ये भी डॉट गई, बढ़िया ओवर डाला भाई रैशवर्थ ने आते ही। लास्ट स्पेल है भाई ये ईस्सा का, और पहली बॉल पे सिंगल मिल जाएगा, रायडू ने बचा लिया यार, वरना स्टार्टिंग में 3 विकेट हमारे बहुत जल्दी गिर गए थे। रायडू और बेन स्टॉक की पार्टनरशिप अच्छी रही, और ये एज लग गया भाई, मगर सिंगल ले ही लेंगे फिल्डर क्योंकि बहुत धीरे आ रहा है अभी तो। फोर्टीन ओवर की चौथी बॉल भाई, अभी तक इस ओवर में सिर्फ 4 रन आया है, चलो 4 रन बोला 6 आ गया, 10 रन हो चुके हैं इस ओवर में अभी। पांचवी बॉल इस ओवर की 133 पे 4 विकेट है चेन्नई, सिंगल आएगा, आ जाएगा भाई, मेरे ख्याल से रन आउट हो ही जाएंगे, विकेट लिखा गया, रन आउट ही है, कोई चांस ही नहीं था बचने का। फालतू में रन दिया, शायद शिवम दुबे आउट हुए या नहीं, मेरे ख्याल से तो वो आउट हुआ है रायडू, शिट यार रायडू अच्छा खेल रहा था, मगर रविंद्र जडेजा और दुबे दोनों लेफ्टी खेल रहे हैं अब। 16th ओवर डालने दोबारा ऐश्वर्थ आए हैं भाई, दूसरा ओवर चल रहा है और बंदे ने 3 रन देके 1 विकेट लिया है, और भाई बच गया भाई, मेरे को लगा कैच आउट है मगर फिल्डर चला गया अपने उसमें बाउंड्री में, वरना ये कैच ही था। अच्छी बॉलिंग करी है भाई इनके ओवर, सेकंड ओवर की लास्ट बॉल ऐश्वर्थ के, और भाई ये तो आउट है, LBW हो जाएगा, रिव्यू लेने का फ़ायदा है नहीं, साफ LBW था यार। कौन आउट हुआ, शिवम दुबे 6 रन बना के आउट। नेक्स्ट आया भाई ऑल फेवरेट MSD वसीम आया भाई ओवर डालने अपना, 3rd ओवर डालने, 17th ओवर डालने आया भाई अपना वसीम, स्ट्राइक पे जडेजा और MS धोनी, धोनी ने अभी तक एक भी बॉल नहीं खेली है, एक बॉल पे 2 रन लिए धोनी ने पहली वाली पे, वो मैंने दिखाया नहीं, स्किप कर दिया।
सेकंड बॉल पे भी सिंगल आ जाएगा भाई, चौका आ गया। यहाँ पे सिंगल आना था वैसे, मगर फील्डर की गलती की वजह से 4 रन मिल गए भाई, फ्री के। जडेजा स्ट्राइक पे भाई, 9 बॉलों में 4 बॉलों में 9 रन बनाया जडेजा ने। यहाँ पे भी सिंगल मिल जाएगा हमको, धोनी तो नहीं होगा यार रन आउट इनसे। ऐश्वर्थ आया भाई अपना लास्ट थर्ड ओवर डालने, 18th ओवर 3rd बॉल, और इस पर हमको डबल मिल चुका है 3rd बॉल पे 18th ओवर की। 160 पे 6 विकेट है भाई चेन्नई, और भाई जडेजा ने आगे मारने की कोशिश करी मगर फील्डर है सामने, तो यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा। धोनी स्ट्राइक पे भाई, धोनी खेल रहा अपने 5 बॉलों में 10 रन, और भाई दोबारा शॉर्ट पिच और उठा के खेल गया है ये। कैच नहीं, नहीं कैच नहीं होगा, बच गया, चौका मिल जाना चाहिए, चौका भी बच गया भाई, 2 ही रन मिले यहाँ पे, 2 रन बचा लिए फिल्टर ने अपनी टीम के लिए, 3 ले लिए, चलो 1 रन तब भी बचाए। बाकी भाई अभी तक तो सही चल रहा है। 19th ओवर डालना है दोबारा वसीम, धोनी स्ट्राइक पे, और भाई चौका जाएगा ये तो बैक फुट पे, 4 रन बढ़िया। धोनी और जडेजा ही खेल रहा है अभी, विकेट नहीं गिरा, 170 बन चुके हैं, 190 तक भी जा सकता है यार अभी धोनी है। 4th बॉल भाई इस ओवर की, भाई ये क्या बॉल डाल दी बंदे ने। और भाई अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मगर धोनी आउट चुका हो चुका है यार, अगले आईपीएल में देखते हैं धोनी क्या करेंगे। जडेजा और भाई लास्ट बॉल भी डॉट बॉल निकाल दी, लास्ट ओवर भाई चेन्नई की बैटिंग का, और 171 पे 7 विकेट है चेन्नई। मोहम्मद आमिर आया लास्ट ओवर डालने, शॉर्ट पिच बॉल डाली है पहली, और यहाँ पे सिंगल डबल मिल जाएगा हमको, बढ़िया बढ़िया। 173 180 बन सकते हैं क्या, 190 भी बन सकते हैं बंदे को, तो 4 बॉल है, 2 बॉलों पे 4 रन आए अभी तक। 3rd बॉल और 3rd बॉल पर कैच आउट हो जाएगा यार, यही नहीं होना था बस। जडेजा स्ट्राइक पे, सेकंड लास्ट बॉल, वो भाई आगे मारने की कोशिश तो करी है मगर फील्डर हैं पीछे, 2 रन मिलेंगे। 178 पे 8 विकेट चेन्नई, लास्ट बॉल भाई इसके बाद इनिंग की, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, जडेजा स्ट्राइक पे, क्या 6 रन आएंगे, नहीं भाई। 179 का टारगेट फॉर कराची रॉयल्स, देखते हैं कितने बना पाएंगे ये। शाकर खान आया भाई बैटिंग करने, और बाबर आजम, बॉलर दीपक चहार। तो भाई कराची की बैटिंग आ चुकी है, दीपक चहार ने पहली बॉल डाली उस पर 0 रन थे, सेकंड बॉल इनिंग की, भाई सेकंड बॉल पे चौका मार दिया है, 4 रन सेकंड बॉल पे। बाबर आजम खेल रहा है भाई, बाबर आजम को आउट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बॉल थी भाई ये इस पहले ओवर की, और इस पर सिंग, अरे भाई क्या फील्डिंग कर रहे हैं, ये रन आउट हो सकता था अगर फील्डिंग अच्छी होती तो। 5वीं बॉल 5 रन बन चुके हैं हमारे, पहले ओवर में 8 रन थे और 1 विकेट भी गिर चुका था, और भाई चौका आ गया, 9 रन बन गए अब इनके, 1 विकेट गिर जाए इनका भी तो बढ़िया है, हमारा गिर चुका था क्योंकि। महेश दीक्षा ने आया भाई सेकंड ओवर डालने, 9 रन है अभी तक कराची के, 9 रन में 0 विकेट। दूसरे ओवर की पहली बॉल पे भाई सिंगल, सिंगल ही आया, मेरे को लगा डबल दे रहा है, बाकी कोई नहीं, 2 बॉल डॉट गई है अगली। 3री बॉल भाई सेकंड ओवर की, और ये उठा के मार दिया, ये भी चौका जाएगा यार, बाबर आजम। ये दोनों आउट हो जाए तो मैच अपना है, क्योंकि दोनों अच्छा खेलते हैं, मैं खेला हूँ इनके साथ पहले भी। भाई एक और चौका यार 5वीं बॉल पे, रन तो बहुत पिट रहे हैं हमारे भी। दीपक चार, और ये मैंने बहुत गलत बॉल डाल दी, वो तो आफ्टर इफेक्ट के बाद सही किया, मगर चौका तब भी मिल ही गया इनको, नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से चौका, 3 रन ही दो भाई, चौका मत दो भाई, रन आउट हो सकता है, नहीं किया यार। 5वीं बॉल 3रे ओवर की, दीपक चाहर ही है बॉलर भाई, यहाँ पे भी चौका आ गया, क्या ही शुरुआत करी है भाई कराची ने, एक भी विकेट नहीं गिरा, और 3 ओवर में 26 रन। दीक्षाना का दूसरा ओवर भाई आगे बढ़ के खेल दिया, और ये 6 रन, पहला 6 भाई कराची के लिए बाय बाबर आजम। बाबर आजम बहुत तेज खेल रहा है भाई, 16 बॉलों में 23, और ग्रीन हो चुकी है उसकी बैटिंग, और एक और चौका भाई, 10 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ गए इस ओवर में। 5वें ओवर की 2री बॉल, पहली बॉल पे सिंगल मिला था बाबर आजम स्ट्राइक पे भाई, बाबर आजम भाई क्या ही खेल रहे बंदे ये, चौके छक्के चौके छक्के, 5 रन आया भाई 5 बॉलों में इस ओवर की, लास्ट बॉल इस ओवर की, और बाबर आजम ने एक और चौका मार दिया भाई,
23 बॉलों में 35 रन्स बाबर आजम। दीक्षाना भाई डाल रहे बॉल, शुरुआती चौके के साथ करिए बंदन, बढ़िया भाई। छठे ओवर की पांचवी बॉल और ये वाला ओवर सही गया अभी तक महिषा दीक्षाना का, और भाई इस पर चौका छक्का मिल गया यार पांचवी बॉल पे। 10 रन वैसे भी मिल गए बाउंड्री से ही भाई। ये दोनों बैट्समैन बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं इनके, बाबर आजम भाई 37 पे है और ये बंदा 21 पे है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। सातवां ओवर चल रहा है, 60 रन बना चुके हैं भाई कराची। बाबर आजम एक विकेट गिरना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वरना ये जीत जाएंगे। रन रेट इनका अच्छा चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है भाई 9 का और इनका चल रहा है 8.5 का। और एक और चौका मार दिया भाई दूसरे बॉल पर ही 8th ओवर की। दीक्षाना भाई एक विकेट ले लो भाई, आगे बढ़ के दोबारा खेले। ये कैच आउट भाई 6 रन यार। बाबर आजम की इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं 31 बॉलों में। इनको चाहिए 107 रन 74 बॉल पे। और भाई एक और चौका मिल गया फील्डर की गलती की वजह से। 9th ओवर डालना है भाई जडेजा ले सकता है भाई विकेट। भाई आगे बढ़ के खेला है, कैच था यार, थोड़ा फील्डर आगे होता तो सिंगल दिया है भाई। चौथी बॉल जडेजा के ओवर की, बाबर आजम स्ट्राइक पे और ये कैच आउट, बेहतरीन भाई। 58 बना के आउट हो गए बाबर आजम मगर 34 बॉल्स में बस। ये भाई कैच बहुत इजी कैच आया था, मार्टिन गप्टिल लाया भाई अगला बैट्समैन। और ये खान भाई भी हमारे आउट हो जाए तो ठीक रहेगा। ये भी 18 बॉलों में 24 रन बना चुके हैं अभी तक। और भाई ये कोशिश तो थी बॉलर की मगर इस पर भी चौका मिल जाएगा। मोइन अली की स्पिन अच्छी है, क्या पता विकेट ले ले, मगर ग्रासी पीछे मेरे ख्याल से पेसर लाने चाहिए। एक और चौका भाई तीसरी बॉल पे, 92 रन चाहिए थे और चौका आ गया भाई। 10 ओवर में 88 रन चाहिए इनको, अब बन सकते हैं यार आराम से। और उठा के खेला भाई ये तो, कैच कर लो भाई, कैच करा मगर फील्डर बाउंड्री के अंदर 6 रन दिला दिए। सिंगल आया भाई 11th ओवर की तीसरी बॉल पे, जडेजा डाल रहा है 11th ओवर और 3 बॉलों में अभी तक एक ही रन आया है। और जडेजा ने दूसरे ओवर में 8 रन तक दिए हैं और एक विकेट लिया है 2 ओवरों में, बढ़िया। ये बॉलिंग अच्छी है क्योंकि जडेजा के साथ मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, पहले भी कई बार खेला हुआ हूँ। 11th ओवर भाई और लास्ट बॉल 11th ओवर की, ये भी छक्का है शायद, नहीं कुछ भी नहीं है, सिंगल ही आया, मेरे को लगा छक्का गया भाई। 99 पे एक विकेट भाई कराची। खान भाई खेल रहा हमारे, हो भाई पहली बॉल पे ही क्या है चौका मोइन अली। दूसरा ओवर चल रहा भाई, 18 रन पिटवा चुका है बंदा अभी तक भाई। फील्डिंग बहुत बेकार हो रही है और एक और चौका आ गया भाई खान जी के लिए, 30 बॉलों में 47 रन। 72 रन चाहिए भाई बस, 52 बॉलों में बना ही लेंगे मेरे ख्याल से तो। और एक और चौका, 3 चौके लगातार भाई मोइन अली के ओवर में, बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉलिंग शाकर खान भाई। 52 रन्स, 7 चौके मारे हैं बंदे ने यार। ओ भाई ये विकेट बढ़िया लिया मार्टिन गप्टिल आउट जडेजा के द्वारा, स्पिन बढ़िया भाई, पहला स्टंप उड़ाया। ऐश्वर्थ आया भाई पहली बॉल पे, एक ही रन लिया। शाखर भाई है भाई स्ट्राइक पे, शाखर खान। और एक और चौका मिल, नहीं चौका नहीं है, बढ़िया फील्डिंग। इसी के साथ ही ओवर कंप्लीट, 4 रन एक विकेट के साथ। मोइन अली भाई तीसरा ओवर चल रहा है, 32 रन पिटवा चुका है, बहुत बेकार इकोनॉमी चल रही है मोइन अली की। और एक और चौका भाई, बोलते ही चौका आ गया बंदे की बॉल पर भाई। मोइन अली ने इस ओवर में अब तक पिटवाए हैं 7 रन 3 बॉलों में, और बोलने की बस कमी थी, एक और चौका पिटवा दिया भाई। मेरे ख्याल से खान भाई जितवा देंगे कराची को। 37 बॉल में 49 रन चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, बना सकते हैं आराम से। और एक और चौका आ गया, 15 ओवर चल रहा है भाई और 134 पे 2 विकेट है बस कराची और एक 6 रन। 70 पूरी कर लिए भाई इन्होंने अपनी, कितनी बॉलों में, 43 बॉलों में मात्र। 93 मीटर का छक्का मारा भाई और एक और 6 रन भाई, 76 ऑन 44 बॉल। और भाई 16वां ओवर अपना भाई मोइन अली भाई डाल रहे हैं, अभी तक 3 बॉलों में सिंगल दिए हैं, ये बढ़िया डाला है अभी तक ओवर। चौथी बॉल पे दोबारा चौका ऐश्वर्थ और भाई खान साहब है हमारे 79 रन पे, 26 बॉलों में 25 भाई आउट, ये आउट है
ये कन्फर्म आउट है। हाँ भाई चलो एक विकेट तो मिला मोइन अली के नाम, एक विकेट बढ़िया। बैन स्टोक आया भाई पहला ओवर डालने 17th ओवर में। खान जी है भाई स्ट्राइक पे 80 रन बना चुके हैं, मेरे ख्याल से भाई सेंचुरी बना ही देगा बंदा अपनी। और पहली बॉल पे ही एज लगा, एज का सिंगल, क्या पता बैन स्टोक आउट कर दे इनको। तीसरी बॉल भाई स्टोक के ओवर की भाई, शॉर्ट पिच डालने की कोशिश करी और ये 2 रन मिल जाएंगे इस बॉल पर, तो सिंगल ही लिया है, नहीं डबल लेने की कोशिश करी है। रन आउट, रन आउट, बढ़िया एक और विकेट, ये रन आउट है। आउट कौन हुआ है, खान जी हुए हैं क्या हमारे? नहीं भाई बोल्टन आया भाई, खान अभी भी स्ट्राइक पे भाई। इस बंदे को कैसे आउट करूं, 83 बना दिए बंदे ने। बोल्टन की तीसरी बॉल भाई, और भाई ये LBW है। चौधरी जी ने भाई पहले ओवर में आते ही तहलका मचा दिया, मुकेश चौधरी। रिव्यू लेने का फ़ायदा नहीं है, शायद रिप्ले दिखाए तो साफ आउट ही था। बढ़िया कमाल कर दिया भाई मुकेश भाई ने, मैंने पहले इनसे बॉलिंग करी नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुषार देशपांडे को लेता हूँ मोस्टली मैं। इमाद वसीम आया भाई अगले बैट्समैन, 15 बॉलों में 15 रन चाहिए भाई, ये तो मुश्किल है। और एक और डॉट बॉल मुकेश भाई द्वारा। पांचवी बॉल भाई मुकेश के ओवर की, और इस पे सिंगल आएगा भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब तो मैच में, मेरे ख्याल से तो निकल गया ये मैच हाथ से। 13 बॉलों में 14 रन चाहिए लास्ट बॉल इस ओवर की, और यहाँ पे भी सिंगल मिल गया। 12 बॉलों में 13 रन, 10 बॉलों में 13 रन, 2 बॉल डॉट गई थी बैन स्ट्रोक की। ओ भाई पहली बॉल पे उठा दिया, ये 6 रन जाएगा यार, पूरे कैच भाई। शाकर खान आउट भाई, कितने रन बनाए, छोड़ो जितने रन बनाए मगर विकेट तो मिला। 9 बॉलों में 13 रन चाहिए, 2 बॉल डॉट, 1 विकेट, बढ़िया भाई बैन स्टोक। विराट कोहली बन जाऊँ क्या बैन स्टोक्स? लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए भाई, 179 का टारगेट था, 10 रन चाहिए लास्ट ओवर में। पहली बॉल डॉट, बढ़िया मुकेश भाई, दूसरी बॉल भी डॉट हो जाए यार, एक और डॉट बॉल, नाइस। 11 रन चाहिए 4 बॉलों में, 2 वाइड भी फेंक चुका हूँ मगर मैं यार, 4 बॉलों में 10 रन, शॉर्ट पिच बॉल डालिए और ये दोबारा शायद बाउंड्री जाएगी भाई। फील्डिंग भाई अपडेट आएगा गेम में कोई, ऐसी फील्डिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। कितने रन मिले इस बॉल पर, 2 रन मिले, 3 रन ले लिए यार, 3 बॉलों में 7 रन चाहिए, बनाने को बना सकते हैं अभी। और एक शॉट मारा है भाई ऑफ साइड में अपने इनग्राम ने, और भाई यहाँ पे 2 रन मिल चुके हैं इनको। 2 बॉलों में कितने रन चाहिए, अब 9 रन चाहिए 2 बॉलों में। ये कैच आउट है बढ़िया। 9 भाई 6 रन चाहिए, 9 रन नहीं चाहिए, 6 या 7 ऐसे कुछ चाहिए, एक बॉल पर 6 रन, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग भाई। और भाई चलो भाई बढ़िया, ये मैच जीत चुके हम, IPL वर्सेस PSL का पहला मैच हम जीत चुके हैं। तो भाई जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं करी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 4 रन से हम मैच जीत चुके हैं ये भाई। अंबटी रायडू 59 रन, शाकर खान 84, बढ़िया भाई। ये भाई कराची की बॉलिंग थी, देख लो आप लोग कराची की बैटिंग, चेन्नई की बॉलिंग, जडेजा काम आया भाई हमारे लिए।